नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। चुनाव का मौसम है और तमाम बातें लोकसभा चुनाव को ही लेकर हो रही हैं, इसलिए आज एक कहानी ऐसी भी में बात चुनाव से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग किस्सों की, और उनमें भी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनका इतिहास क्या है। कई कैंडिडेट्स के बारे में लोगों की जानने की इच्छा रहती है कि उनके पीछे की कहानी क्या है, उनका क्या इतिहास रहा है, आखिरकार क्यों उनको टिकट मिला या क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे ही कई नाम हैं, उनमें से आज की तारीख में सबसे चर्चित एक नाम है, उसका नाम है अरुण गोविल। जी हाँ, अरुण गोविल, वही अरुण गोविल जो 80 का दशक खत्म होते होते भगवान राम बन गए थे। सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाने की वजह से उनकी जिंदगी में क्या फर्क आया, उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या समझा और कैसे उनका सफर रहा, ये तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन उनका इतिहास क्या रहा, कैसे वो रामायण सीरियल तक पहुंचे और कैसे राजनीति तक आए, ये सब जानना बहुत से लोग चाहते हैं। तो लिहाजा आज की कहानी अरुण गोविल की। अरुण गोविल, जिनका जन्म 12 जनवरी 1958 में हुआ था, मेरठ से उनको टिकट ऐसे ही नहीं दिया गया, मेरठ से अरुण गोविल का पुराना नाता है। दरअसल अरुण गोविल का जन्म 12 जनवरी 1958 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ही हुआ। उनके पिता चंद्र प्रकाश गोविल हैं और वो एक सरकारी अधिकारी थे। अरुण गोविल को उनके पिताजी सरकारी अधिकारी ही बनाना चाहते थे, वो चाहते थे कि वो नौकरी करें और पैसे कमाएं, लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था, शायद भगवान राम ने उनके लिए कुछ और लिख रखा था। लिहाजा अरुण गोविल को एक ऐसा मौका मिला जिसने उनकी इमेज, उनके जीवन को, उनके करियर को, हर चीज को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसका क्या उनको जीवन में फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, आज इस सब के बारे में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि कैसे एक साधारण सा इंसान जो सरकारी नौकरी के लिए पिता चाहते थे, जो चाहता था कि वो अपने भाई के साथ बिजनेस में हाथ बटाए और मुंबई इसलिए आया था ताकि वो अपना नाम बना सके किसी और फील्ड में, लेकिन वो अचानक से फिल्मों की तरफ रुख कर गया और फिर उसको एक ऐसा रोल मिला जिसने उसका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। अरुण गोविल ने पढ़ाई अपनी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से की, जो कि मेरठ में है, और अरुण गोविल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, यानी पढ़ाई के वक्त भी कहीं दूर दूर तक एक्टिंग का शौक नहीं, एक्टिंग की बात नहीं, और ये कभी नहीं कि वो फिल्मों में जाना चाहते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और लिखा था। जब अरुण गोविल का करियर शुरू हुआ तो वो फिल्मों से ही शुरू हुआ। साल 1975 में अरुण गोविल अपने भाई के साथ कारोबार करने के लिए मुंबई आए ताकि उसमें हाथ बटा सकें और वो भी कुछ नाम और पैसा कमा सकें, लेकिन उनको इसमें रुचि नहीं थी, लेकिन वो सरकारी नौकरी भी नहीं करना चाहते थे, लिहाजा उनके पास बस एक ही ऑप्शन बचता था कि वो अपने भाई के साथ आए और बिजनेस में अपने हाथ आजमाएं। इसकी वजह से उन्होंने मुंबई जाना तय किया, लेकिन मुंबई आने के बाद उन्होंने वहाँ पर एक दूसरी ही दुनिया देखी, और वो दुनिया भी इसलिए देखी क्योंकि वहाँ पर उनकी भाभी, जो बहुत मशहूर कलाकार थीं, फिल्म प्रेजेंटर थीं, टीवी में आती थीं, उनका नाम था तबस्सुम। तबस्सुम उस वक्त एक ऐसा नाम था जो घर घर में लिया जाता था, क्योंकि दूरदर्शन पर एक सीरियल आता था, उसका नाम था फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, और उसी को प्रेजेंट करती थी तबस्सुम। हालांकि तबस्सुम का असली नाम किरण है, लेकिन मदर उनकी मुसलमान थी, इसकी वजह से उनका नाम तबस्सुम भी था, और उनका नाम इतना बड़ा था कि जिसकी वजह से तमाम लोग, घर वालों को, चाहे अरुण गोविल या उनके पति को भी, लोग तबस्सुम की वजह से ज़्यादा जानते थे। और तबस्सुम बेहद होनहार कलाकार थी और बहुत ही चर्चित कलाकार थी, उनको सारे लोग जानते थे, और कई बार ऐसा होता था कि अरुण गोविल उनके साथ फूल खिले हैं गुलशन गुलशन की शूटिंग देखने के लिए स्टूडियो जाते थे, और इसी वजह से धीरे धीरे उनका मन फिल्मों में अभिनय करने का होने लगा। अरुण गोविल को फिल्मों में पहला मौका तब मिला जब 1977 में राशि प्रोडक्शन ने एक फिल्म बनाई, पहली। इस फिल्म में अरुण गोविल का किरदार बहुत छोटा था, लेकिन उनका अभिनय, उनकी एक्टिंग नोटिस की गई और लोगों ने उसको काफ़ी पसंद किया। अरुण गोविल ने पर्दे पर पहली में पहले अभिनय से इतना प्रभावित कर दिया कि राजश्री प्रोडक्शन के जो संस्थापक थे ताराचंद बड़जात्या,
उन्होंने अरुण गोविल को बोला कि वो उनके साथ आगे भी फिल्में करेंगे और इसी के साथ उन्होंने अरुण गोविल के साथ 3 फिल्में साइन कर ली और तीनों फिल्मों में अरुण गोविल ने मुख्य कलाकार की भूमिका भी निभाई और ये सारी की सारी चर्चित फिल्में थी। ये फिल्में थी सावन को आने दो, राधा और सीता, सांच को आंच नहीं। 1979 में ये फिल्में बनी जिसमें सावन को आने दो और सांच को आंच नहीं फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाबी पाई और इसके बाद अरुण गोविल स्टार अभिनेता के रूप में जाने जाने लगे, लेकिन आम जनता फिर भी उनको इतना नहीं जानती थी जितना कि बाद में जाने लगी। हिंदी फिल्मों के अलावा अरुण गोविल ने बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ और भोजपुरी भाषा की फिल्मों में भी काम किया जो काफी सफल रही, लेकिन ऐसा किरदार, ऐसा कोई चर्चा नहीं हुई जिससे कि अरुण गोविल को आज की तरह जाना जाता। इन फिल्मों के अलावा अरुण गोविल ने छोटे पर्दे पर भी काम किया, कई टेलीविजन सीरियल में भी काम किया, लेकिन उनमें से कई ऐसे चर्चित सीरियल थे जिनको आज भी लोग याद करते हैं। सबसे ज्यादा चर्चित था विक्रम बेताल, लव कुश, विश्वामित्र, बसेरा और बुद्ध। विक्रम बेताल में विक्रम यानी राजा का रोल करने वाले अरुण गोविल थे। उनकी सौम्य आवाज, उनका रोबीला चेहरा और बात करने का सलीका इतना शानदार था कि ये किरदार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। आज भी जब विक्रम बेताल का जिक्र होता है तो उस राजा की जरूर बात होती है जो विक्रम था, लेकिन वो अरुण गोविल था। अरुण गोविल को रामानंद सागर ने साल 1985 में विक्रम और बेताल में विक्रमादित्य राजा के रूप में अभिनय का मौका दिया, लेकिन इससे भी उनको इतनी बड़ी पहचान नहीं मिली जितनी बाद में रामानंद सागर ने जो सीरियल बनाया रामायण, 1986 में ये सीरियल बनाया गया और अरुण गोविल को भगवान राम की भूमिका मिली। अरुण गोविल ने जब ये किरदार निभाया तो ये किरदार अमर हो गया। आज भी जब लोगों के सामने भगवान राम की छवि आती है और किसी सीरियल की बात आती है तो अरुण गोविल की ही शक्ल दिखाई देती है। इस सब के अलावा अरुण गोविल का निजी जीवन अलग था। अरुण गोविल के 4 भाई बहन थे जिनमें 2 बहनों में चौथे नंबर पर अरुण गोविल थे। उनके पिता का नाम चंद्रप्रकाश गोविल था। अरुण गोविल की शादी श्रीलेखा, एक अभिनेत्री थी, उनसे हुई और उनके 2 बच्चे भी हुए जिनका नाम अमल और सोनिका था। अरुण गोविल के बेटे की शादी दिव्या से हुई जिसके पुत्र का नाम आरवीर और पुत्री अरियाना है। अरुण गोविल के बड़े भाई इनकी ज़िंदगी में बेहद अहम रहे क्योंकि उन्हीं की वजह से वो मुंबई में आए और उनका नाम विजय गोयल था। विजय गोयल मुंबई में बिजनेस करते थे और उनकी पत्नी का नाम था तबस्सुम। तबस्सुम दूरदर्शन वाले सीरियल के टॉक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन की होस्ट थी और बहुत चर्चित थी। खास बात यह कि ये टॉक शो इतना चर्चित था कि 21 साल तक ये दूरदर्शन पर चलता रहा। हालांकि ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि अभिनेत्री तबस्सुम अरुण गोविल के रिश्ते में सगी भाभी हैं, यानी विजय गोयल की पत्नी, और जो उनको एक्टिंग का करियर मिला, जो सफलता मिली या जो पहला ब्रेक मिला उसमें सबसे बड़ा योगदान तबस्सुम का ही है। जब तबस्सुम अपने शो को करती थी यानी फूल खिले हैं गुलशन गुलशन करती थी तो अरुण गोविल वहाँ लगातार जाते थे। रोज़ देखते थे कि कैसे उनकी भाभी तबस्सुम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ बड़ी आसानी से बातचीत करती हैं और यहीं से वो प्रभावित होना शुरू हो गए। भाभी से वो बेहद करीब थे, उनको बहुत लगाव था, लिहाजा उन्होंने एक दिन कहा कि मैं भी फिल्म में अभिनय करना चाहता हूँ। पहले तो तबस्सुम ने इसको बड़ी लाइटली लिया, समझाया भी कि इसमें करियर में मुश्किल है, इससे अच्छा बिजनेस करो और दूसरे रास्ते देखो, लेकिन जब उनको समझ में आ गया कि अरुण गोविल नहीं मानने वाले हैं तो उन्होंने कहा ठीक है मैं मदद करूँगी और उसके बाद उन्होंने कई जगह पर बातचीत करना शुरू की। यहाँ तक कि जब अरुण गोविल को भगवान श्री राम की भूमिका रामायण सीरियल में मिली उसके पीछे भी तबस्सुम का ही हाथ था और उन्हीं की ही मेहनत थी। अगर तबस्सुम ने उनको फिल्मों में एंट्री दिलाने में मदद ना की होती तो शायद अरुण गोविल कुछ और होते और उनकी प्रतिभा के बारे में भी आज करोड़ों लोग नहीं जान पाते। राम का वो चेहरा भी लोगों के सामने नहीं होता जो अरुण गोविल के रूप में लोगों के सामने आता है। टीवी पर अरुण गोविल ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भूमिका को जितनी अच्छी तरीके से, संजीदगी से साकार किया वो अभिनय जगत का आदर्श बन गया। इसका उनको कई बार खामियाजा भी भुगतना पड़ा, लेकिन कुल मिलाकर के अरुण गोविल हमेशा ये बात बोलते हैं कि भगवान श्री राम की भूमिका निभाने के बाद उनके जीवन में जो बदलाव आया, जो ठहराव आया, जो परिपक्वता आई और जो समझ आई वो शायद कभी नहीं आती अगर वो इस सीरियल में काम नहीं करते। आज भी जब कोई श्री राम बोलता है तो उसके चेहरे, उसके जहन में अरुण गोविल की मुस्कान, उनकी मोहक अदा, उनकी सूरत चमकती है। साल 1975 के आसपास अरुण गोविल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के
मेरठ से मुंबई पहुंचे। अरुण गोविल कलाकारों की तरह नहीं थे जो मुंबई में स्ट्रगल करने जाते हैं, उनके पास कोई ठिकाना नहीं होता। उनके पास ठिकाना था क्योंकि उनके भाई विजय गोयल वहां पर बिजनेस करते थे और उसी कारोबार में हाथ बिठाने के लिए अरुण गोविल गए थे। हालांकि वो मन से नहीं चाहते थे, लेकिन घर से उनको भेजा गया था कि इसी कारोबार में जुड़ना है, लेकिन रास्ता बदल चुका था। भाभी से उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि वो फिल्मों में काम करना चाहते हैं। मेरठ में जब वो पढ़ाई करते थे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, तो उस वक्त नाटक वगैरह होते थे, लिहाजा उन्होंने उसमें भी भाग लिया हुआ था और ये बैकग्राउंड उनके थोड़ा काम आया। और भाभी तबस्सुम ने जो मेहनत की, जो मदद की, जो साथ दिया, उसके बाद उनका करियर चल निकला। हालांकि अरुण गोविल का बचपन शाहजहांपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है वहां बीता। उनके पिता सरकारी अफसर थे, लेकिन वो कुछ और चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि होई है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। और इसी को ध्यान में रखते हुए आप सोचिए कि एक लड़का जो मुंबई आया था नौकरी करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, लेकिन किस्मत ने, भगवान राम ने वो रास्ता दिखाया कि वो उन्हीं के काज में लग गया, यानी कि उन्हीं का रोल निभा करके हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है। मुंबई में बड़े भाई विजय गोयल कारोबार के लिए जब निकल जाते तो तबस्सुम फिल्मों और टीवी सीरियल की शूटिंग के लिए निकलती, कई बार अरुण गोविल साथ ही जाते थे। और यहीं से इस पूरे ख्वाहिश की, इसी पूरी कवायद होनी शुरू हुई जब उनके मन में आया कि वो अभिनय की तरफ जाए। बहरहाल तबस्सुम ने अरुण गोविल को सबसे पहले तारादेवी वरदायत्या से जब मिलवाया तो उससे पहले उनकी बड़ी भूमिका बना दी कि इसने तमाम नाटकों में काम किया है, फिल्मों के लिए ललक है और वो चाहता है किसी भी तरीके से मौका मिले, छोटा मोटा रोल मिलेगा तो भी चलेगा। लेकिन जब वरदायत्या ने उनको देखा तो उनके मन में एक छवि पैदा हो गई और उसके बाद ही उन्होंने तमाम फिल्में स्क्रीन टेस्ट लेने के बाद दी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तब तबस्सुम की अपनी अलग पहचान थी, उनकी बात को लोग टालते नहीं थे, इसीलिए वरदायत्या ने बहुत ध्यान से उनकी बात को सुना और उसके बाद ये मौका दिया। 1979 में जब सावन को आने दो फिल्म राष्ट्रीय प्रोडक्शन की आई, अरुण गोविल ने उसमें मेन लीड रोल किया था और इसी दौरान उनके रिश्ते जो राष्ट्रीय प्रोडक्शन से थे, जो वरदायत्या परिवार से थे, बहुत मजबूत हो गए। इसीलिए आगे चल करके कई फिल्में जो कि पारिवारिक फिल्में थीं उनमें अरुण गोविल ने काम किया और इसमें सबसे जो अहम रोल निभाया वो तबस्सुम ने। इसीलिए कई बार अरुण गोविल ने ये बात भी कही कि केवल वो भाभी ही नहीं थी बल्कि उनकी मेंटोर भी थी, यानी अभिभावक भी थी, यानी वो रास्ता दिखाने वाली भी थी जिन्होंने उनको करियर में इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया। साल 2022 में जब अरुण गोविल की भाभी तबस्सुम, जिनका असली नाम किरण था, उनकी डेथ हुई, उनका निधन हुआ, तो अरुण गोविल ने साफ तौर पर कहा कि आज जो कुछ भी हूँ मैं अपनी भाभी की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने ही पहचाना कि मैं अभिनय कर सकता हूँ। जी तोड़ मेहनत की, हर उस जगह मिलाने की कोशिश की जहाँ पर मेरे लिए रास्ता निकल सकता था और आखिरकार जो किस्मत को मंजूर था वो वरदायत्या परिवार से मिलने के बाद उनका चेहरा, उनकी बातें और उनके एक्सप्रेशंस को लेकर के ऐसा माहौल बना कि उनको इतना शानदार, इतना चर्चित और हमेशा के लिए अमर हो जाने वाला रोल मिला। अरुण गोविल भगवान राम का सीरियल करने से पहले, रोल करने से पहले, एक अलग तरीके के इंसान थे। आम इंसान जिस तरह से होता है उसी तरीके की आदतें, उसी तरीके की हरकतें, उसी तरीके के शौक, और एक उनको शौक था सिगरेट पीने का। और वो पहले सिगरेट पीते थे, बेहिसाब सिगरेट पीते थे, यहाँ तक कि जब उनको सीरियल में रोल मिल गया उसके बावजूद वो सिगरेट पीते थे। कई बार ऐसा होता था कि शूटिंग के दौरान वो पर्दे के पीछे बैठ करके, सेट के पीछे बैठ करके वो सिगरेट पीते थे। ऐसा ही एक वाक्या हुआ जब वो शूटिंग कर रहे थे और शूटिंग के दौरान उनको बहुत सारे लोग देखने के लिए आते थे, इसलिए वो छुप करके सेट के पीछे कहीं सिगरेट पीने चले जाते थे। एक बार एक साउथ इंडिया का बड़ा ग्रुप उनको देखने के लिए आया, भगवान राम को देखने के लिए आया, उस वक्त वो सेट के पीछे सिगरेट पी रहे थे। जब उन लोगों को पता चला कि अरुण गोविल सिगरेट पीते हैं तो बहुत नाराज हुए, पर्दे के पीछे से वो लोग शोर करने लगे, नारेबाजी करने लगे और बुरा भला भी कहने लगे। ये आवाज़ जब अरुण गोविल ने सुनी तो एक स्टाफ के, एक शूटिंग के एक स्टाफ को बुला करके उन्होंने पूछा कि आखिरकार ये शोर क्यों मच रहा है, तो उसने सच्चाई बताई। उसने बताया कि आपको देखने के लिए साउथ से एक ग्रुप आया है, भगवान राम को देखना चाहता है और उसने आपको सिगरेट पीते हुए देख लिया है, इसलिए वो बहुत नाराज़ है। इस बात का अरुण गोविल पर इतना असर हुआ कि उसी दिन उसी वक्त अरुण गोविल ने सिगरेट पीना छोड़ दिया और हमेशा हमेशा के लिए सिगरेट को तिलांजलि दे दी, यानी उन्होंने एक ऐसी लत छोड़ दी जो भगवान राम के
रोल से, उनके शिष्टाचार से, उनके आदर्श से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। इसी रामायण की शूटिंग के दौरान उनकी चर्चा, उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ चुकी थी कि एक बार प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उनको मिलने के लिए दिल्ली बुलाया। और जब वो दिल्ली पहुंचे तो उनको मिलने के लिए न सिर्फ राजीव गांधी बल्कि बहुत से ऐसे लोग वहां पर मौजूद थे जो कि हु इज़ हु थे, यानी बड़े लोग थे, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी की बात हो या सेलिब्रिटी वाले ग्रुप की बात हो, बहुत से लोग मिलने आए। तो पहली बार अरुण गोविल को ये महसूस हुआ कि उनके चाहने वाले कितने हैं। तब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, ना सोशल मीडिया था और ना ही इतनी तकनीक ऐसी थी कि जिससे लोगों को पता चल जाए कि उनके चाहने वाले या कम चाहने वाले कितने हैं। लेकिन जब कभी ऐसी पब्लिक ओपन अपीयरेंस होती थी, पब्लिक के बीच में जब जाते थे, तब उनको एहसास होता था कि उनके बारे में लोग सोचते क्या हैं। ऐसे मौके अरुण गोविल के साथ ज़्यादातर नहीं आते थे क्योंकि या तो वो शूटिंग करते थे या घर जाते थे और शूटिंग के दौरान तमाम लोगों को आने की इजाज़त नहीं होती थी। हालांकि कई बार ऐसा ज़रूर होता था कि जहां अरुण गोविल शूटिंग कर रहे हों उसके बाहर लोगों का हुजूम खड़ा रहता था और एक बार उनको देख लेना चाहते थे। कई बार उनके सामने लोग हाथ जोड़ करके आते थे, कई बार उनको लोग पैरों में गिर जाते थे और कई बार ऐसा भी होता था कि उनके घर के बाहर तमाम लोग सिर्फ आशीर्वाद लेने आते थे। और ये असर सब इसलिए हो रहा था क्योंकि भगवान राम के रोल में जिस तरह से वो रामायण में किरदार निभा रहे थे, जितनी सौम्यता और प्यार से वो काम कर रहे थे, उसका असर लोगों के मन मस्तिष्क पे हो रहा था और लोग उनको वाकई भगवान राम मानने लगे थे। रामायण सीरियल के दौरान अरुण गोविल के पास कई ऐसे मौके आए जब वो पैसे कमा सकते थे। कई मैगजीन्स ने उनको ऑफर दिया कि वो शराब का विज्ञापन कर दें, मैगजीन के फ्रंट पेज पर भले ही पानी का गिलास लेकर खड़े हो जाएं और वो शराब का विज्ञापन कर दें, लेकिन हमेशा उन्होंने मना किया। कई और तरीके के विज्ञापनों के लिए उनके पास ऑफर आया, लेकिन सिगरेट वाली घटना के बाद उन्होंने ठान लिया कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे भगवान राम की छवि को या उनकी जो इमेज बनी है उसको कोई नुकसान ना हो। यही नहीं, भगवान राम के रूप में उनको लोग जिस तरह से देखने लगे थे कि उनकी प्रसिद्धि पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया में भी होने लगी थी। एक बार अरुण गोविल एक जगह शूटिंग कर रहे थे और एक बदभास सी महिला अपने साथ एक बच्चे को लेकर के आई और वो बच्चा उसकी गोद में था और देख के लग रहा था कि बीमार है। अरुण गोविल के बारे में उसने आते ही पूछा स्टाफ से और पूछा कि भगवान राम कहाँ है। लोग जानते थे कि इसी तरीके से लोग आते हैं और उनको भगवान राम कहकर के बुलाते हैं, इसीलिए किसी ने इशारा किया कि अरुण गोविल पास में उधर बैठे हुए हैं। वो महिला अपने बच्चे को लेकर के सिक्योरिटी से आगे भागते हुए भीड़ से निकलते हुए उनके पास पहुंची और बच्चे को उनके पैरों में रख दिया और रोने लगी। कहने लगे कि भगवान इसको बचा लीजिए, बहुत बीमार है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर आप इसके सर पर हाथ रख देंगे तो आप बिल्कुल ये सच मानिए कि ये ठीक हो जाएगी। अरुण गोविल ने अपने इंटरव्यू में एक बार बताया कि कैसे वो पशुपेश में पड़ गए थे, क्योंकि उनको लगता था कि लोग उनको भगवान राम मानते हैं लेकिन वो एक सामान्य इंसान है और जहाँ डॉक्टर की ज़रूरत है वहाँ उनके हाथ रख देने से या आशीर्वाद दे देने से कैसे चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन भावनाओं का ज्वार ऐसा था कि वो महिला मानने को ही तैयार नहीं थी। उस महिला ने कहा कि जब तक आप इसके सर पर हाथ नहीं रखेंगे तब तक मेरा बच्चा ठीक नहीं होगा और मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। हालांकि अरुण गोविल ने यह भी बताया कि उन्होंने उसको सजेस्ट किया कि अस्पताल जाए, डॉक्टर को दिखाए, इलाज कराए, दवाई करे जिससे कि बच्चा ठीक हो, लेकिन वो महिला किसी भी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं थी और आखिर में अरुण गोविल को भगवान राम की तरह उस बच्चे के सर पर हाथ रखना पड़ा। और जब महिला ने ये देखा तो उसके बाद और तेज़ी से रोने लगी और अपने बच्चे को उठाकर चली गई। 3 दिन बीतने के बाद उसी जगह पर अरुण गोविल शूट कर रहे थे, भगवान राम के पूरे रोल में थे, एक बार फिर से वो महिला सामने दिखी। इस बार बच्चा उसकी उंगली पकड़कर खड़ा हुआ था और आते ही फिर से वो एक बार अरुण गोविल के पैरों में गिर गई क्योंकि उसका बच्चा 3 दिन बाद अचानक से ठीक हो गया था। हैरानी की बात थी, लेकिन अरुण गोविल का कहना है कि ये भगवान राम में श्रद्धा है और शायद उस वक्त जो राम भगवान का मैं रोल कर रहा था तो कुछ अंश शायद मेरे अंदर भगवान का आ गया हो, ये उन्हीं की कृपा है कि जिसकी वजह से मेरे हाथ से वो ऐसा आशीर्वाद निकला कि बच्चा ठीक हो गया। जिसको डॉक्टर की ज़रूरत थी, अस्पताल की ज़रूरत थी, वो मेरे आशीर्वाद से ठीक हो गया। और इसके बाद बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए, ऐसी घटनाएं हुई जिसमें भगवान राम से जुड़े हुए उनके चमत्कार सामने आए। हालांकि अरुण गोविल हमेशा इस बात के लिए मना करते रहे, कहते रहे कि भगवान राम में जिनकी आस्था है उनके साथ चमत्कार होता है, उनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन मैं एक सामान्य इंसान हूं और सामान्य इंसान की तरह ही रहना चाहता हूं।
अरुण गोविल ने राम के तौर पर अपना पूरा जीवन जिया, क्योंकि एक बार उस किरदार को कर लेने के बाद फिर कभी उनको ऐसा मौका नहीं मिला जिससे कि वो अपनी इमेज को बदल सकें। या यूं कहिए, अरुण गोविल अपनी इमेज को बदलना भी नहीं चाहते थे। न तो फिल्म इंडस्ट्री चाहती थी, न उनके दर्शक चाहते थे, न भगवान राम में श्रद्धा रखने वाले लोग चाहते थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि यही भगवान, असली भगवान राम है। वही छवि, वही इमेज, वही चीज़ें लोग रिलेट करते थे। आज भी उस दौर के लोग, उस उम्र के लोग तो ज़रूर याद रखते होंगे कि जब भी भगवान राम का मन में नाम आता है तो अरुण गोविल की छवि आती है। और इसका कुछ तौर पे उनको खामियाजा भी हुआ। खामियाजा इस तरीके से कि उसके बाद अरुण गोविल को कोई ऐसी फिल्म नहीं मिली जिसमें वो फिल्मी कलाकार की तरह काम कर सकें। कोई ऐसा मौका नहीं मिला जिससे कि वो अपनी इमेज यानी भगवान राम की इमेज से हट करके काम कर सके, क्योंकि प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और फिल्म इंडस्ट्री के लोग जानते थे कि अगर इस इमेज से इतर कुछ भी इनके साथ बनाया गया तो शायद वो कामयाब नहीं होगा। या यूँ कहिए कि भगवान राम के रोल में आने के बाद अरुण गोविल ने इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं की। अरुण गोविल ने उसके बाद काफ़ी समय तक फिल्मों से दूरी बना ली, अपना काम करते थे, अपना बिजनेस करते थे, लेकिन फिल्मों से दूरी बना ली। बाद में अरुण गोविल ने राजनीति की तरफ रुख किया और अब 2024 का लोकसभा का चुनाव है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अरुण गोविल को मेरठ से टिकट दिया है। अब अरुण गोविल लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर फील्ड में उतरे हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी उनके अंदर भगवान राम की छवि देखने की कोशिश करते हैं। वक्त बीत चुका है, उम्र बीत चुकी है, लेकिन लोगों के मन में भगवान राम की जो छवि है उसका शर्तिया अरुण गोविल को फायदा मिलेगा। हालांकि बात यह भी कही जा रही है कि मेरठ में चुनाव के दौरान काफ़ी उनका विरोध भी हो रहा है। उसके पीछे अलग वजह हैं, उसके पीछे जाति समीकरण हैं, उसके पीछे पुराने लोगों के इतिहास हैं, उन कैंडिडेट्स की अपनी नाराजगी है जिनको पहले टिकट दिया गया और अरुण गोविल की वजह से उनका टिकट काट दिया गया। लेकिन इन सब बातों से अलग, इन बातों से इतर एक बात तय है कि अरुण गोविल का जो करियर है, जो उनकी इमेज है और जो भगवान राम के रूप में उनकी प्रसिद्धि है, वो हमेशा हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि रामायण सीरियल के राम यानी अरुण गोविल जैसा किसी ने भी न तो रोल निभाया, न ऐसी सौम्यता दिखी और न ही किसी किरदार को भारत के दर्शकों ने प्यार दिया। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।